क्लास सिक्स्थ इंग्लिश मीडियम। क्लास सिक्स्थ ईएम मैथ्स। मैथ्स में आपका चल रहा है प्लेइंग विद नंबर्स, ये चैप्टर थ्री है। आज इसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ ये आप आज सीखोगे, किसी भी नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36, ये दो नंबर हैं अपने पास, एक तो है 24, दूसरा है 36, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, चलिए करते हैं। सबसे पहले 24 का फैक्टर कर लेंगे हम। 24 का फैक्टर करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 36 का ले लेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, ऊपर में 1 आया, 1 और 6, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 3 जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये दोनों का निकल आया है फैक्टर। पहले हम यहाँ पर 24 का लिखेंगे, 24 का फैक्टर क्या आया है, 24 का फैक्टर आया है 2 × 2 × 2 × 3। 24 का फैक्टर आया है 2 × 2 × 2 × 3। और इधर जो है 36 का क्या आया है, 2 × 2 × 3 × 3। 36 का क्या आया है, 2 × 2 और 3 × 3। अब ये दोनों का सबसे पहले अगर इसका क्या निकालना है अपने को, एचसीएफ निकालना है, तो पहले इस तरह से दोनों का फैक्टर लिखना पड़ता है, उसके बाद एक लाइन ऐसे खींचेंगे हम और यहाँ लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू, इसमें आपको कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन की बात करें तो ये दोनों कॉमन है, 2 2, यहाँ पर ये दोनों 2 2 कॉमन है और ये 3 3 कॉमन है। जो जो नंबर्स कॉमन है उन्हें लिख लेंगे, जैसे यहाँ 2 2 कॉमन है तो ये 2, यहाँ भी 2 2 कॉमन है तो 2, यहाँ 3 3 कॉमन है तो 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका एचसीएफ कितना आया, 12 आया। मतलब एचसीएफ कभी भी निकालना है अपने को तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए यह रूल होता है कि उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ होता है। जैसे मान लीजिए हम निकालना चाहें 12 का और 16 का, तो आप सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेना, 12 का क्या होता है, 2 2 जा 4 3 जा 12, 16 का क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। मतलब आप इस तरह से यहाँ जैसे मैंने फैक्टर निकाला है ऐसे निकाल लेना आप, और इसके बाद आप यहाँ लाइन खींचेंगे, यहाँ एचसीएफ लिखेंगे, ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं तो यहाँ लिखेंगे 2, ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और ये आप देख रहे हो यहाँ पर 3 2 2 है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इस तरह से आपको इसको सीखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।